सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो लेके आ गया इंडिया में अपना नया ब्रांड न्यू फ्यूचरिस्टिक डिवाइस, जो कि दोस्तों ये है मेरे पास में यहाँ पे ओप्पो फाइंड एक्स। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी फाइंड एक्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, भैया कैसा है ये फोन और क्या है इसके अंदर वो स्पेशल कुछ फीचर्स जो इस फोन को एकदम यूनिक बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये है हमारे पास से बॉक्स ओप्पो के फाइंड एक्स का। सामने लिखा है फाइंड एक्स, इस तरफ लिखा है ओप्पो, लेकिन इसके अलावा पूरा बॉक्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी डिटेल्स नहीं है क्योंकि ये एक रिटेल बॉक्स नहीं है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स, बिकॉज जो मेन हाईलाइट है वो है यहाँ पे दोस्तों ये फोन। इसको हम रखते हैं एक बार साइड में। बाकी दोस्तों बात करते हैं बॉक्स कॉन्टेंट्स की, तो यहाँ पे इसके नीचे एक सेक्शन है और यहाँ पे दोस्तों रखा हुआ मिल जाता है आपको सबसे पहले चार्जर, और ये दोस्तों है ओप्पो का वूक चार्जर, जहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 5 वोल्ट 4 एम्पियर। तो ये बेसिकली दोस्तों एक फास्ट चार्जर है। OnePlus का जो डैश चार्जर है वो भी इनफैक्ट Oppo VOOC पे ही बेस्ड है, तो ये दोस्तों आपका एक फास्ट चार्जर। इसके अलावा यहां पे मैं आपसे बात करता हूं बाकी, तो ये रखे हैं दोस्तों सामने ईयरफोन्स और इसके नीचे शायद कुछ और भी होगा। तो ओके दोस्तों, ये जो ईयरफोन्स हैं यहां पे आपको जो मिलता है सामने की तरफ पोर्ट, वो है USB Type-C बेस्ड। इसका मतलब इस फोन में कोई भी 3.5 एमएल ऑडियो जैक नहीं है, और यहां पे दोस्तों साथ में आपको मिल जाती है एक USB Type-C केबल। बाकी देखते हैं कि इस सेक्शन में क्या दिया है Oppo ने हमें साथ में फोन के। तो ओके, यहां पे नीचे एक और सेक्शन है और इसमें क्या है। ओके तो दोस्तों यहां पे ये है एक सिम इजेक्टर टूल, जो ऑफ कोर्स जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे है एक अडैप्टर जहां पे आप लगा सकते हैं अपने स्टैंडर्ड ईयरफोन्स को इस फोन के साथ में, और साथ में है एक क्विक स्टार्ट गाइड, आई बिलीव चाइनीज में होगी। जी हां दोस्तों, ये है बिल्कुल चाइनीज वाली बात, लेकिन हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस मेन फोन की, और अगर हम हटाते हैं इस प्लास्टिक रैप को तो क्या बात है यार, देख के मजा आ गया दोस्तों। यहाँ पे इस वाले स्टिकर को भी मैं निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ये है ओप्पो का फाइंड एक्स, कलर काफी इंटरेस्टिंग है, फोन दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन पीछे कैमरास कहाँ है यार, वो हमको नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पीछे का सेक्शन कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अच्छी ग्लॉसी फिनिश मिलती है, हालांकि फिंगरप्रिंट्स आएंगे, लेकिन दोस्तों कलर है जो कॉम्बिनेशन दिखता है ब्लैक और पर्पल का, तो वो दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे इसका हालांकि जो ऑफिशियल नाम है वो है आई थिंक बोर्डॉक्स रेड। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट साइड में भी आपको कोई भी कैमरा वगैरह नजर नहीं आएगा, सिर्फ आप देख सकते हैं ऊपर एक छोटे से ईयरपीस को, क्योंकि पीछे यहाँ पे ये जो ट्रे है ये मूव होती है, और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद में कैमरा जिसके अंदर से छुपके निकल के आते हैं बाहर। इसको करते हैं बूट, दोस्तों देखते हैं कि कैसा है इसका डिस्प्ले, जो कि है इसकी मेन हाईलाइट, जहां पे आप एंजॉय कर पाएंगे एक 6.42 इंचेस के एमोलेड बेजललेस डिस्प्ले को, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19:5:9 का। और यहाँ पे क्या बात है दोस्तों, बेजल समझ लो है ही नहीं भैया, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है इसका फ्रंट पोर्शन, और ये बेसिकली एक कर्व डिस्प्ले है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे जो साइड्स हैं वो इसकी कर्व हो रही है फोन की, तो ये आता है दोस्तों एकदम कर्व डिस्प्ले। अगर आप बात करते हो कैमरास की, तो जैसे आप कैमरा ओपन करोगे, देखा आपने क्या हुआ ऊपर, यहां पे दोस्तों सेक्शन जो है वो निकल के आता है बाहर, और आपने कैमरा बंद किया तो ये सेक्शन अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको दिख रही है साइड से चीज, वो बेसिकली बाहर निकलती है कुछ इस तरीके से, जहां पे आप रियर कैमरा देख सकते हैं, जहां पे दोस्तों है पीछे की तरफ ड्यूअल रियर कैमरा, साथ में एलईडी फ्लैश, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसमें दोस्तों यहां पे सिर्फ कैमरा तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको बाकी और सेंसर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और जैसे आप बंद करते हैं तो ये बंद हो गया, और यहां पे ये खोला और ये बंद। दोस्तों यहाँ पे जो स्पीड है वो है ऑलमोस्ट 0.5 सेकंड्स की। तो यहाँ पे दोस्तों सामने तो है ये कंप्लीट स्क्रीन 6.42 इंचेस का। बाकी अगर हमसे बात करता हूँ स्पेसिफिकेशंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो आपको मिल जाता है यहाँ पे राइट साइड में एक बटन जो कि है पावर लॉक अनलॉक बटन, लेफ्ट दोस्तों साइड में है यहाँ पे दो बटन जो कि है वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। फोन में ऊपर की तरफ यहाँ पे है एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और यहाँ पे आई बिलीव शायद ये एक IR पोर्ट है, क्योंकि दिखने में दोस्तों कुछ वैसा ही लग रहा है। और हल्का सा ना यहाँ पे आपको रिज मिलता है जो कि डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है, सेम रिज यहां पे आपको नीचे की तरफ भी मिलता है। और यहां पे दोस्तों बात करता हूं नीचे की तरफ कनेक्शंस की, तो आपको मिल जाते हैं सबसे पहले स्पीकर, बाद में है माइक्रोफोन, साथ में है यूएसबी टाइप सी पोर्ट और एक सिम ट्रे। सिम ट्रे हम चेक करते हैं कि यहां पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से है। तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन कुछ ऐसा है कि आप लगा सकते हैं। ओके, ये दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि आप सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एक आगे एक पीछे, तो टेक्निकली ड्यूअल सिम स्लॉट है लेकिन आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इंडिया में जो वेरिएंट लॉन्च होगा वो आता है 8GB रैम के साथ में, और यहाँ पे जो स्टोरेज होने वाली है उसकी वो है 256GB। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गई है बात इस चीज़ की, और
ये देख के मेरे को मजा आ रहा है यार काफी की, मतलब क्या बात है यार, ये काफी फास्ट है। जहां पे दोस्तों आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, 8 GB की रैम है, और बाकी दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ कैमराज की, तो जो फ्रंट कैमरा है वो आता है 25 MP रेजोल्यूशन के साथ में, जो रियर कैमरा कॉम्बिनेशन है वो है 16 MP प्लस 20 MP। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ बाकी फेस अनलॉक की, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार मैं इस पर जाके करता हूँ एनरोल, तो यहाँ पे मैं गया सेटिंग्स में, उसके बाद में ओके फेस एंड पासकोड, हम जाते हैं दोस्तों यहाँ पे फेस और करते हैं एनरोल। ओके हमारा पिन बड़ा ही आसान, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दोस्तों करते हैं हम एनरोल फेस को। तो ये एकदम फास्ट दोस्तों हो गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको 3D मैकेनिज्म मिलता है जहाँ पे आपके चेहरे पे डॉट्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी फास्ट है। और अभी एक बार हम करते हैं, देखते हैं कि कैसा ये काम करेगा। ये मैंने किया, स्वाइप किया, और देखा आपने कितना फास्ट अनलॉक हुआ। मतलब ये अगर आप दबाएंगे बटन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे आपको अनलॉक करना है आपको सिर्फ स्वाइप करना है और वो सेक्शन बाहर निकलेगा और इंस्टेंट दोस्तों हो जाएगा अनलॉक। तो ये काफ़ी सिक्योर भी है, काफ़ी फास्ट भी है। हालांकि दोस्तों मन में डाउट ये होता है कि जो ये मूविंग पार्ट है इसकी रिलायबिलिटी क्या है, तो ओप्पो तो ये बोलता है कि ये 300,000 बार टेस्ट किया गया है। मतलब अगर आप ऑन एवरेज दिन में 150 बार इसको ऊपर नीचे करते हैं, मान लीजिए आप कैमरा ओपन कर रहे हैं, फ़ोन को आप लॉक अनलॉक कर रहे हैं, तो भी दोस्तों यहाँ पर जो इसकी है लाइफ वो होगी करीब 5 साल के आसपास। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें फेल सेफ सिस्टम्स भी हैं कि मान लीजिए आप कैमरा में हैं और आपके हाथ से फोन गिर गया, तो ये दोस्तों रिडेक्ट करेगा फॉल को और उसके बाद में ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक मूविंग पार्ट है, इसीलिए इस फोन के अंदर आपको किसी तरह का IP सर्टिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो बात हो गई है इस चीज़ की। बाकी अगर हम चेक करते हैं सेटिंग्स में जाके कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, तो अबाउट फोन, तो ओके दोस्तों ये फिलहाल काम करता है एंड्रॉयड वर्जन 8.1 पे, और जो सिक्योरिटी अपडेट है वो भी है जून के महीने का, तो ये एक अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 128 GB का, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये आपको जो इंडिया में मिलेगा वो मिलेगा 256 GB के साथ में। एक बार इसका मैं क्विकली कैमरा चेक करता हूँ, तो ये दोस्तों आ गए हैं रियर कैमरा लेआउट में, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे एक 3D ब्यूटिफिकेशन का भी मोड है फ्रंट कैमरा के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में हार्डवेयर मौजूद है तो वो पर्टिकुलरली आपके लिए दोस्तों कर देगा आपको ब्यूटिफाई। एक बार मैं फ्रंट कैमरे पहले चेक करता हूँ, ये मैंने एक क्विक फोटो लिया, आई थिंक कि डिटेल्स होनी चाहिए। जी हाँ, काफ़ी दोस्तों मिल रही हैं अच्छी डिटेल्स यहाँ पे, क्योंकि ये है 25 MP का फ्रंट कैमरा। जो रियर कैमरा एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा है। तो ये मैंने लिया एक रियर कैमरा से फ़ोटो, और अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये फोटो भी काफ़ी डिटेल्ड है। और एनीवे दोस्तों बाकी आपको पोर्ट्रेट मोड्स तो मिलेंगे फ्रंट और रियर कैमरा में। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है जो नेविगेशन सिस्टम, वो एक जेस्चर बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पे अगर आप किसी ऐप में हैं और अगर आप स्वाइप करते हैं बीच से तो आप पहुँच जाएंगे सीधा होम पे। उसके अलावा शायद आई थिंक आप साइड से करेंगे तो आप शायद बैक वगैरह आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं इस फोन में। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन सामने दिखने में इतना कमाल लगता है, तो आप चाहेंगे नहीं कि यहाँ पे कोई भी ऑन स्क्रीन बटन हो, आप चाहेंगे कि जो पूरा स्क्रीन है वो आप एंजॉय कर पाएं अपने लिए बड़े आराम से। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर तो खैर आपको मिलेंगे बहुत सारी चाइनीज ऐप्स, और प्ले स्टोर को करना पड़ेगा साइड लोड मुझे पर्सनली इस फोन में, लेकिन ऑफ कोर्स जो आप इंडिया में ले पाएंगे वो फोन दोस्तों आएगा कंप्लीटली आपके साथ में सभी चीजें लेके। अब दोस्तों इस फोन की अगर हमसे बात करता हूं प्राइसिंग की, तो ये जो वर्जन मेरे पास में है जिसमें है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज, इसकी चाइना में प्राइसिंग है 4999 युआन, यानी कि करीब करीब 51-52,000 रुपीज के आसपास। लेकिन ये दोस्तों वर्जन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। जो वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हो रहा है वो है 8 GB रैम के साथ में, और साथ में दोस्तों स्टोरेज मिल जाएगी 256 GB की। उसकी जो चाइना में प्राइसिंग वो है 5999 युआन, लेकिन दोस्तों उसको इंडिया में लॉन्च किया गया है 59,990 रुपीस में, यानी कि चाइनीज प्राइसिंग से दोस्तों थोड़ा सा प्राइस को कम रखा गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखते हुए कंपटीशन को प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में है, लेकिन ये फोन अपने आप में यूनिक है, ये कुछ चीजें ऐसी ऑफर करता है जो किसी और फोन के पास में नहीं है आज की डेट में। तो प्राइसिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये फोन जो है वो लगता है काफी फ्यूचरिस्टिक। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपको एंजॉय करना है स्लाइडिंग इन आउट कैमरा मैकेनिज्म को, अगर आपको एंजॉय करना है कंप्लीट बेजल फ्री एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको फिलहाल खैर ये प्राइस तो देनी ही होगी। अगर इस फोन को थोड़ा सा और कम प्राइस पे लॉन्च किया जाता तो और ज्यादा दोस्तों होता शायद मासेस के लिए अपीलिंग, लेकिन फिलहाल के लिए इस फोन का दोस्तों जो वेरिएंट आपको मिलेगा इंडिया में वो है 8 GB रैम के साथ में 256 GB की स्टोरेज, और इसकी प्राइसिंग है 59,990 रुपीज, जिसको आप ले सकते हैं 3 अगस्त से फ्लिपकार्ट पे और बाकी दोस्तों ऑफलाइन स्टोर्स पे। आपको डर नहीं है कि कोई आपके ऊपर दोस्तों यहाँ पे स्पाइंग कर रहा है, बिकॉज कैमराज जो है वो हमेशा अंदर रहेंगे। तो अंदर रहेंगे का मतलब ये कि कोई बैकग्राउंड में ऐप अगर चाहे आपके कैमराज को यूज़ करना तो वो कर नहीं पाएगी, अगर कोई करने वाली है तो आपको मालूम चल जाएगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ जस्ट अभी नोटिस करी कि आपको जो ऊपर स्लाइडिंग मैकेनिज्म यहाँ पे मिलता है, आपको उसके अंदर भी यहाँ पे एक ग्रिल मिलती है, तो शायद इसके अंदर ड्यूअल स्पीकर्स हैं या वो
क्या है मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ग्रिल है ही, लेकिन उसके ऊपर भी एक और ग्रिल है। तो एनीवे दोस्तों, ये है यहाँ पे ओप्पो का फाइंड एक्स। यहाँ पे दोस्तों अगर हमसे बात करते हो सिक्योरिटी की, तो आपको इस फोन में 3D फेस अनलॉक तो मिल रहा है, जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है जहां पे ये रात में भी काम करेगा चाहे कितना भी हो जाए अंधेरा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ओप्पो ने फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंक्लूड नहीं किया है, वो नहीं आपको मिलता है सामने की तरफ, नहीं है पीछे की तरफ। तो ये एक बात आपको नोट करनी होगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में फोन काफी सिक्योर है, लेकिन जो आपको ऑप्शन मिलता है वो है सिर्फ और सिर्फ फेस अनलॉक का, बाकी आप लगा सकते हैं अपना पिन पैटर्न पासवर्ड वगैरह। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यहां पे एक मजे की बात कि इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 3730 mAh की। यहां पे दोस्तों आप इसको चार्ज कर पाएंगे फास्ट चार्जिंग की मदद से ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अलावा इसका एक और वेरिएंट है यहां पे दोस्तों, जहां पे आपको मिलती है बैटरी 3400 mAh की, और उसमें सपोर्ट है सुपर वूक टेक्नोलॉजी का, जहां पे चार्जर का आउटपुट है 50 watts, और आप पूरे फोन को सिर्फ 35 मिनट में चार्ज कर सकते हैं 0 to 100%। दोस्तों वो एक बहुत ही कमाल बात है। मैं कोशिश करूंगा आगे उस फोन को भी टेस्ट करने की, और बाकी आपके लिए भी कोशिश करूंगा कुछ लेके आने का फाइंड एक्स की फॉर्म में। आप दोस्तों बताओ कि आपको इस फोन में क्या अच्छा लगा, आपको फोन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, लेकिन ये काफी सही है। लॉक स्क्रीन पे आया, स्वाइप किया, लॉक और अनलॉक। तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए ओप्पो का फाइंड एक्स। बाकी फीचर्स दोस्तों एकदम फ्लैगशिप ग्रेड फोन है, तो सभी आपको मिलने वाले हैं लेटेस्ट। तो ये है मेरा एक वीडियो, बताइए आप नीचे कमेंट्स में कि आपको ये फोन कैसा लगा। फ्यूचर्स है निकल के वैसे डिवाइस। दोस्तों जो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।